नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्वालिटी तो ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ कि इस वीडियो में जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। देखो, आप दिन भर में सर्च करते हो, बहुत सारी किताबें पढ़ते हो कि हम वेट गेन कैसे करें, वेट लॉस कैसे करें। अगर मैं बोलूँ कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम फैक्टर है, तो आपको कैसा लगेगा? देखो, वेट गेन करने में क्या होता है, आपको कैलरीज सरप्लस में रहना होता है। मान लो कि आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज, जो आपको डेली की रिक्वायरमेंट है, वो 2000 कैलोरीज है। अगर आप 2100, 2200, 2300, 2500 कैलोरीज कंज्यूम करते हो, आप धीरे धीरे वेट गेन करना स्टार्ट कर दोगे। अगर आप 2000 कैलोरीज से कम खाना स्टार्ट करते हो, तो आप धीरे धीरे वेट लॉस करना स्टार्ट कर दोगे। सिर्फ मेंटेनेंस कैलोरीज आपको अपनी कैलकुलेट करनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। गूगल पे जाओ, अपनी हाइट, अपना वेट, अपनी एज वगैरह लिखो, वहाँ पे आपको सारी जो कैलकुलेशन है वो के आ जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि आपको दिन की कितनी कैलोरीज चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की मेन फंक्शनिंग, जो कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, मान लो कि हमको कोई चीज़ हम बना रहे हैं, भट्ठी है जैसे, ठीक है, गैस हमको उतनी ही कंज्यूम होगी जैसा हम खाना बनाएंगे। अगर हम कुकर में खाना बना रहे हो तो जल्दी बन जाएगा। वैसे ही हर एक चीज़ को करने के लिए कुछ पावर चाहिए होती है। हमारी बॉडी को चलाने के लिए पावर चाहिए होती है, जिस पावर को हम बोलते हैं कैलोरीज। ठीक है, हम कैलोरीज में उसको तोलते हैं। तो उसी हिसाब से मान लो इलेक्ट्रिसिटी का क्या यूनिट होता है, वैसे ही हमारा कैलोरीज होता है। तो सरप्लस में रहने की भी दो चीज़ें हैं। मान लो आपको डर्टी बल्क करना है। अगर डर्टी बल्क करना है तो आप क्या करोगे, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, सारी चीज़ें बढ़ा दोगे, उससे आपका वेट जल्दी जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लीन मसल मास, सिर्फ आपको मसल मास ही गेन करना है, तो आप क्या करोगे, आप प्रोटीन की वैल्यू को बढ़ा दोगे, कार्ब्स और फैट्स की वैल्यू को कम कर दोगे। कम करने का ये नहीं मतलब कि बिल्कुल कट कर देना है। आपको जो प्रोटीन की वैल्यू है वो 50 रखनी है, बाकी जो आपके कार्ब्स और फैट्स हैं वो आपको 30-20 कर लेने, एडजस्ट कर लेने हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल मसल मास चाहिए, ठीक है, फिर ऐसा करना है। अगर आपको डर्टी बल्क चाहिए, मान लो कि कई लोग जिम जाने से पहले अपने शरीर में मास लाना चाहते हैं, जिससे वो ब्रॉडर दिखें, ठीक है, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ानी स्टार्ट कर देनी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है चीज़ों को। अगर आप 2000 कैलोरीज आज ले रहे हो, कल आपने 3000 कर दी, 4000 कर दी, तो इससे आपकी बॉडी पे बहुत गंदा स्टबन फैट, जो पेट पे होता है, वो बहुत ज़्यादा जम जाएगा, जिसको बाद में जिम करके आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपने डाइट से वो फैट अपनी टमी पे इकट्ठा किया है। तो आप उसको डाइट से ही हटा सकते हो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कहते हैं ना कि अच्छी आदतें सीखने के लिए हमको बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन बुरी आदतें मिनटों में आ जाती हैं। जैसे हम बुरी आदतें 21 दिन में सीख सकते हैं साइंस के हिसाब से, और लेकिन हम अच्छी आदतें 90 दिन में डेवलप करते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपसे यही निवेदन है, अगर आपको वेट गेन करना है, सीधी सी भाषा में, कोई ज़्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी है, उससे 500 कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करनी स्टार्ट कर देनी है धीरे धीरे। मान लो आज आप 2000 ले रहे हो, कल आप 2100 लोगे, परसों आप 2200, फिर 2300, हफ्ते भर में आपको 500 कैलोरीज इंक्लूड करनी है। आपने प्लस कर दी 500 कैलोरीज, धीरे धीरे 1 महीने तक आपको 500 कैलोरीज ज़्यादा लेनी है, जिससे क्या होगा, 4 दिन में आपका 1 किलो वेट या 5 दिन में 1 किलो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो आप अभी 60 kg के हो, आपका टारगेट है 70 kg, तो 2 मंथ तक आपको जो कैलोरीज है वो बढ़ा के खानी है, सिंपल। जिसमें अगर आपको लीन मसल मास चाहिए तो आपको प्रोटीन बढ़ा देनी है। प्रोटीन कैसे, प्रोटीन होता है जैसे मान लो सोयाबीन में होता है, सोयाबीन आपको कम खानी चाहिए, उससे मैन बूब्स एंड आपको पता ही सारी चीज़ें गाइनो हो जाता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हो। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है आपको, तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स बेटर है, सबसे बेटर ऑप्शन है। जहाँ आप वे प्रोटीन ले सकते हो, वो भी सेफ है, बिल्कुल सेफ है। उसके साथ साथ आप जैसे स्प्राउट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप चिकन ले सकते हो, फिश ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारी ऑप्शंस है। एग्स हैं, एग्स सबसे बेहतरीन ऑप्शन है और सस्ता है, चीप है, हर एक बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। तो आप एग्स ले सकते हो, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। अभी कई लोग बोलते हैं कि एग्स वेजिटेरियन है, चलो हमको इन सब बातों से कुछ नहीं लेना,
एक्स वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, जो खा सकता है खाए, जो नहीं खा सकता वो नहीं खाए। कई के रिलीजियस ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं खा सकते। देखो दूसरे लोग ऐसे होते हैं मेंटेलिटी के, जो बोलते हैं कि फैट्स बहुत गंदी चीज़ें हैं। बिल्कुल नहीं है, फैट्स गंदी चीज़ नहीं है। फैट्स को ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करना गंदी चीज़ है। हर एक चीज़ बोलते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अच्छी भी हो, उसको आप एक्सेस में कर लेते हो, आपका मन उससे ऊब जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, फैट्स भी आपको कंज्यूम करनी है, क्योंकि फैट जो होती है हार्मोनल कंट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करती है। क्योंकि फैट्स के बिना, सैचुरेटेड फैट्स के बिना या अनसैचुरेटेड फैट्स के बिना, आपका जो माइंड है वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। क्योंकि न्यूरॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं ना, जो जो स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, उनको पावर चाहिए होती है। पावर कहाँ से मिलती है? जो हमारा ग्लैंड्स होते हैं, ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं जाते हैं, हमारे माइंड के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? फैट्स। फैट्स गंदी चीज़ नहीं है। कार्ब्स, कार्ब्स किसी हद तक बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कार्ब्स को कोई सोचता नहीं है कि इतनी डेंजरस चीज़ हो सकती है, लेकिन कार्ब्स टर्न्स इनटू फैट्स। आपके अंदर जो स्टबन फैट है, अगर कार्ब्स आप एक्सेस में ले लेते हो, आपकी बॉडी की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। आपने कार्ब्स कंज्यूम किया, आपकी बॉडी ने जितने कार्ब्स रखने हैं उतने कार्ब्स रखेगी, बाकी कार्ब्स को क्या करेगी? फैट्स सेल के अंदर कन्वर्ट कर देगी। कार्ब्स ऑटोमेटिकली फैट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो कार्ब्स भी किसी हद तक बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप फैट्स को गंदा बोलते हो, लेकिन जो कार्ब्स हैं वो बनते हैं जाके फैट सेल, जिसको हम स्टबन फैट बोलते हैं। स्टबन फैट हमारी टमी पे होती है मेनली। ठीक है, हमारे थाइस पे, बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी होती है, लेकिन टमी पे ज़्यादा होती है, जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। ठीक है, कार्ब्स को कम रखना है आपको, फैट्स को किसी हद तक कंज्यूम करना है, लेकिन अनसेचुरेटेड फैट्स को, बाहर की फैट्स को नहीं। ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है, सबसे बड़ा कारण होता है ट्रांस फैट्स। ठीक है, ट्रांस फैट्स आपको बहुत ज़्यादा कम लेनी है। बाहर का फूड आपको नहीं लेना। तो हेल्दी रहने का सिंपल सा फंडा है, अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को सही रखो, अपनी कैलोरीज को मेंटेन करके रखो। सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ें मैंने बता दी है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की क्वालिटी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन जो कंटेंट की क्वालिटी है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आपको सही बातें बताऊंगा, जो जेन्युइन होती है वही बातें, फालतू बकवास हम करते नहीं हैं। सिंपल सी बातें हैं, सिंपल सा सलूशन है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल के लिए जय हिंद।